हम सब यहां शहीद जुबा सहनी के शहादत को याद करने और उनके प्रति अपना आदर प्रकट करने के लिए यहां इकट्ठा हुए। जुबा सहनी जी शहीद हुए कम उम्र से ही, वे आजादी की लड़ाई की तरफ आकृष्ट हुए। उनमें एक आत्मसम्मान का भाव था और अगर मजदूरी भी कर रहे थे युवावस्था में तो अंग्रेजों के अत्याचार को वो बर्दाश्त नहीं करते थे। जब उनको एक अंग्रेज ने अपमानित किया, गाली दिया तो उससे भी वे भिड़ गए, तो शुरू से ही उनमें यह प्रवृत्ति रही और आजादी की लड़ाई के अनेक कार्यक्रमों में वो भाग लेते रहे। और जब सन 42 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय तो उनकी भूमिका अविस्मरणीय है। सबको मालूम है कि मीनापुर थाना जो मुजफ्फरपुर जिले में है उसके वो निवासी थे और वहां मीनापुर थाना के दरोगा वालर नाम के दरोगा। तो जब सन 42 के आंदोलन में बहुत लोग इकट्ठा होकर थाना के सामने प्रदर्शन कर रहे थे तो जो थानेदार वालर था उसने एक आदमी पर गोली चला दी और उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद जुब्बा सहनी जी ने जो किया सबको मालूम है। वो जो इकट्ठा जमात थी उन सब लोगों ने मिल करके थाने को घेरा और उसमें जितना फर्नीचर था सबको इकट्ठा करके आग लगाया और उस दरोगा के हथियार को इन लोगों ने उससे छीन भी लिया और इसके बाद उसको बांध करके उस आग में उसको हवाले कर दिया। थाना में और जुब्बा सहनी जी के नेतृत्व में और जो गोली लगी भांगर सहनी जी को वो तो शहीद हो गए और इसके बाद तो अंग्रेजों का जुल्म और अत्याचार जो भी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती उसका तो बहुत विरोध हुआ। जगह जगह रास्ता तक को लोगों ने अवरुद्ध किया, काट दिया, सब हुआ। लेकिन जब वहां अंग्रेजों की पुलिस पहुंची तो उसने बहुत अत्याचार किया और केस हुआ और उसमें अनेक लोग गिरफ्तार भी हुए और फिर उन पर मुकदमा चला चुके, थाने में आग लगाया था और एक थानेदार को उसमें जला दिया था। तो बहुत लोगों को उसमें बहुत लोगों का नाम उसमें दे दिया गया था और गिरफ्तार हुए और जुब्बा सहनी जी तो उस समय तक नहीं गिरफ्तार हो पाए थे। लेकिन जुब्बा सहनी जी के मन में यह बात आई कि वह उस कार्यक्रम का नेतृत्व तो हमने किया और बाकी लोग पकड़े गए हैं और सबको सजा हो और मेरे नेतृत्व में हुआ तो उन्होंने बिल्कुल हाजिरी दी कोर्ट में और कहा साहब सब पूरे तौर पर स्वीकार किया और कहा कि मैंने ये दरोगा जो था दरोगा वालर को हमने जलाया, आग हमने लगाई है और उसमें हमने उसको डाल दिया। तो देखिए जुब्बा सहनी में इतना जो दमखम था लेकिन विचार से वो किस प्रकार से गांधीवादी थे, जो किया उसको कोर्ट में जाकर स्वीकार कर लिया। तो गांधी जी तो यही कहा करते थे जो गलत का कानून है उसका उल्लंघन करो और उसमें अगर सजा होती है तो उसको झेलो और सत्य का आग्रह उनका रहा तो जो सच्ची बात थी उसको कबूल किया और फांसी की सजा हुई और फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए और आज ही का दिन उनके शहादत का दिन है 11 मार्च। इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए। तो ऐसे शहीद और कितने लोगों की भूमिका है, ये जो शहीद हुए
फांसी की सजा उनको हुई और 1942 का जो आंदोलन हुआ जिसका हमने जिक्र किया, उसके पहले भी पुलिस ने उनके साथ बहुत बदसलूकी की और उनकी उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, बहुत सारी बातें हुई थी और ये पूरा विरोध करते थे। तो नेहरू जी गए हुए थे मुजफ्फरपुर और उनको ये बात की जानकारी मिली तो उनकी उनकी जिज्ञासा थी कि भाई कहाँ है दुब्बा सभी, उनसे हम मिले और उनसे वो मिले, सामने लाए और कहा कि भाई जुब्बा भाई आपके साथ पूरा देश है, पूरा भारत है। तो नेहरू जी ने भी उनको उनके काम के उस समय आजादी की लड़ाई के दौरान उसको प्रतिष्ठा दी, उसको स्वीकार किया और उसके बाद तो 42 का जो आंदोलन हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, उस दौरान तो जो कुछ भी हुआ मीनापुर थाने में और उनको उसके लिए फांसी की सजा हुई, शहीद हुए। तो अब तो ऐसे लोगों से सीखना चाहिए और ये जो आजादी मिली है ये मामूली ढंग से नहीं मिली, इस तरह से अनेकों लोग अपने देश में शहीद हुए, कितने लोगों ने जेल की यातना झेली, जितने लोग कितने लोगों ने त्याग किया, कुर्बानी दी, बलिदान हुए, कितनी यातनाएं लोगों ने सही और उसके बाद ये आजादी मिली। तो अपने देश की जो आजादी मिली और अपने देश में लोकतंत्र को स्वीकार किया गया, तो जो आजादी की लड़ाई के मूल्य थे वह मूल्य क्या था, न्याय और समानता, वो सबसे बड़ा मूल्य हमारे आजादी की लड़ाई का। तो न्याय और समानता इस रास्ते से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए, यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज। अब जुब्बा साहनी जी तो शहीद हुए, सरकार तो हर शहीद के सम्मान में जो कुछ भी संभव है करती ही है, चाहे मुजफ्फरपुर में उनकी स्मृति में पार्क बने, उनकी मूर्ति स्थापित हो, या हम लोगों ने भागलपुर जेल का नामकरण उनके नाम पर किया, या आज उनके शहादत दिवस के अवसर पर हर वर्ष राज्य सरकार की तरफ से राजकीय समारोह का आयोजन होता है, यह सब काम तो होता ही और होता रहेगा, लेकिन उनके शहादत से और उनके कर्म से हम सब लोगों को सीख लेनी चाहिए और ये बिहार के लिए कितना कितनी गौरव की बात। और आज मुझे जुब्बा साहनी जी के शहादत के अवसर पर आप सब लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया, मैं आयोजकों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और हम लोगों को भी बुलाया। तो समाचार पत्र सुबह सुबह पढ़ रहे थे, देखो अखबार में देखे कि शहीद सहनी के वंशज भूखे रहने को मजबूर, क्या हुआ भाई। तो हम पढ़े अमर शहीद जुब्बा साहनी के वंशज आज भूखे रहने को मजबूर है, यह कहानी देश की आबादी की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले अमर शहीद जुब्बा साहनी की वंशज मुनिया देवी की है, मुनिया मीनापुर थाना के चैनपुर गांव में रहती है आदि आदि, इसका न्यूज था छोटा सा। तो हमने तुरंत अपने कार्यालय को भी कहा और तुरंत कहा कि डीएम को कहिए देखे तुरंत कौन है जुब्बा साहनी के वंशज का लोग है, मरने को ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई भूखे मरे, हम लोगों ने इतनी स्कीम बना दी है, ऐसा कैसे हो रहा। तत्काल हम लोगों ने कहा, तब पता चला इस महिला के बारे में कि भाई इनकी तबीयत खराब है और पीएमसीएच में भर्ती, को तुरंत डॉक्टर वगैरह सब लगाया गया, आईसीयू में भर्ती है, जो भी डॉक्टर उसका पूरा तौर पर इलाज करा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ ही हमने डीएम को निर्देश दिया है कि जुब्बा साहनी जी के परिवार के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए, जुब्बा साहनी हो, उनके भाई हो, जो कुछ भी हो, उनके जो भी वंशज बचे, अगर उसमें से कौन किस स्थिति में उसकी पूरी जानकारी दीजिए, अगर कोई अभाव में होगा तो सरकार उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेगी। हम लोगों ने इतनी संवेदना और इसके लिए डीएम को हमने जिम्मेवारी दी है कि कौन कौन भाई उसके परिवार, उनके परिवार में कौन थे, जानकारी तो ले लीजिए, मान लीजिए तो मीडिया में छपा, लेकिन वाकई कौन और परिवार के हैं, जो कुछ भी है उन सब लोगों के लिए, ये भी उनके परिवार के हैं, क्या है, सारी बात की जानकारी ले लीजिए। वो लोग पूरा इकट्ठा कर रहे हैं और जो कुछ भी संभव होगा हम लोग सहयोग करेंगे, ये हम लोगों को
इतनी संवेदनशीलता है। तो पटना में भी एक पार्क का नामकरण शहीद जुब्बा और उस पार्क में शहीद जुब्बा सहनी की मूर्ति भी लगाई जाएगी और हर साल शहादत दिवस के अवसर पर सरकार की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। सिद्दीकी साहब गए होंगे, यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। तो इस तरह से अगर जुब्बा सहनी पार्क और उसमें मूर्ति लग जाएगी तो सब लोग उसे वहां जाएंगे और आप लोग भी जरूर जाइएगा। और इस तरह के पार्क और इस तरह की मूर्तियों को लगाने के पीछे मकसद हम लोगों का है कि कम से कम आने वाली पीढ़ी ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जाने, समझे और देश के लिए बलिदान करने के लिए वो उसके मन में भी एक भावना पैदा हो और देश को आगे बढ़ाने में उसकी भूमिका अदा करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी आयोजकों को बधाई देता हूं और शहीद जुब्बा सहनी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।